हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू इंडिकेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप अपने लैपटॉप के या डेस्कटॉप के कंप्यूटर के डेस्कटॉप वॉलपेपर को कैसे लोगों को चेंज करने से रोक सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने अपना पसंद का कोई वॉलपेपर लगा रखा, आपने कोई ड्राइंग लगा रखी या कोई भी पिक्चर या इमेज लगा रखी है जिसको आप हमेशा देखना चाहते हैं अपने वॉलपेपर पे, और आपका जो लैपटॉप है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आप, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, और वो क्या करते हैं, आपका सबसे पहले ये डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर देते हैं। तो आप उनको रोकना चाहते हैं कि आपका वो जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर है वो चेंज ना कर पाएं, या फिर आपके ऑफिस में आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो मतलब कंप्यूटर होता है, उसमें कंप्यूटर में कोई भी आके उसका वॉलपेपर चेंज कर देता है। तो ये कभी कभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, अपना वॉलपेपर जो है वही आपको देखने में अच्छा लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को रोक सकते हैं कि वो आपका वॉलपेपर को चेंज ना कर पाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखते रहिए कि इसको कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू इन द यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहां पर ये इमेज है, इस इमेज में जैसी होगा लेके आते हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप उसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो प्रिवेंट डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने से प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विंडो और आर प्रेस करना होगा। तो जैसे विंडो और आर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका रन खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपने कमांड देनी है जीपी एडिट, मतलब ग्रुप एडिट डॉट एम एस सी। देख लीजिए यहाँ पर ग्रुप एडिट डॉट एम एस सी, मतलब जीपी एडिट डॉट एम एस सी। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके में क्लिक करना है। तो जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर जो है इसका खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर खुल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर क्या होती है, क्या होता है, और इसको इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने आना है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर आपने आना है। तो जैसे इसको आप क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल में आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जगह पर्सनलाइजेशन मिलता है, तो यहाँ पर देखिए पर्सनलाइजेशन है, आपने क्या करना है, इसमें डबल क्लिक करना है। तो जैसे इसमें डबल क्लिक करते हैं तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है प्रिवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये देखिए यहाँ पर। और पर्सनलाइजेशन से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्क्रीन सेवर का टाइम, ये जो है सेवर का टाइम आउट है, और यहाँ पर लोड स्पेसिफिक थीम, अगर आप कोई स्पेसिफिक थीम डालना चाहते हैं तो वही हमेशा लोड होगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखिए यहाँ पर जैसे प्रिवेंट चेंजिंग कलर स्कीम, अगर आप इसको करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर से आपकी कोई भी कलर स्कीम को चेंज नहीं कर पाएगा। तो अभी हम डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रिवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड में हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो जैसे इसमें डबल क्लिक करा उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसका एक नई विंडो खुल गई। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये अभी नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से इनेबल में क्लिक करना है। तो जैसे इसको इनेबल में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर से अप्लाई करेंगे तो ये जो चेंजेस हैं ये अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी आपका ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, पर्सनलाइजेशन पर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड का जो ऑप्शन यहाँ पर होता था वो क्या हो गया, यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। देखिए यहाँ पर पहले इनेबल हुआ करता था, हम इस पॉलिसी को दोबारा से चेंज करते हैं और इसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनेबल हो गई थी, अब हम क्या करेंगे, इसको डिसेबल करेंगे। इसमें हमने डबल क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर से नॉट कॉन्फिगर कर दिया और नीचे यहाँ पर जाके अप्लाई में क्लिक कर दिया। तो जैसे अप्लाई में क्लिक करा उसके बाद आप फिर से डेस्कटॉप में आते हैं और पर्सनलाइजेशन पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इसका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसमें कोई लिंक नहीं बन रहा है, वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि अभी हमारी लोकल ग्रुप पॉलिसी जो है वो अपडेट नहीं हुई है। तो उसको अपडेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जाना है आपने स्टार्ट में और यहाँ पर से CMD लिखना है। जैसे CMD लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, इसमें आपने क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर फिर आपने एक कमांड लिखनी है GP अपडेट, UPDAT अपडेट, और उसके बाद आपने क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद फोर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप एडिटर, ये ग्रुप पॉलिसी को हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली अपडेट कर रहे हैं। जो भी हमने चेंजेस अभी कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अपडेटिंग पॉलिसी आ रहा है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड
जो है ये, इसको क्या कर सकते हैं फिर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम राइट क्लिक करा और पर्सनलाइज में आए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है अब आप इसको कोई भी चेंज कर सकता है। इसमें क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर से देखिए खूब सारे ऑप्शन जो है डेस्कटॉप से संबंधित खुल जाएंगे। ये देखिए अब इसमें से आप कोई भी डेस्कटॉप का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ऐसे मैं इसको लगा देता हूँ। सेव चेंजेस में क्लिक करा तो यहाँ पर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जो ये मैंने आपको बताया कि इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई भी इमेज में राइट क्लिक करके भी यहाँ पर सेव एज डेस्कटॉप करेगा तो वो इमेज सेट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।